ये मोहड़ा स्कूल आपका कौन सा है? सलाम। तो ये है गाइस सलाम स्कूल। तो दोस्तों हमारे प्रिंसिपल साहब जी जो कि बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, तो मैं आशा यही करता हूं कि जो कि दोनों टीम में हैं तो टीम तो एक ही जीतेगी, लेकिन दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छी तरीके से खेलना है और खेल को खेल की भावना से खेलना है। अभी तक जो भी मैच हुए हैं तो वो बहुत ही अच्छे। अंडर 14 का मैच होने जा रहा है तो मोहड़ा और सलाम स्कूल, तो मैं यही बोलूँगा कि जो कि हमारे टीचर्स हैं दोनों DP साहब, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों अभी जो है अभी हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपने टीचर्स को, सभी DP साहिबान को, और साथ में स्थानीय जितने भी लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं। तो गाइज चलते हैं अब मैच की ओर। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी जो है अभी टॉस होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है, अच्छे से खेलना, ठीक है। सलाम और कपाड़ा स्कूल, पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो है वो भी आपको दिखाएंगे। एक मिनट हेड, नो हेड, मोड़ा जो है वो ठीक है, टॉस जो है जीता है, टॉस वन भाई, चॉइस कोर्ट है सर, रेड कोर्ट, बिसाइड कोर्ट, चॉइस कोर्ट, ठीक है। तो मोड़ा टीम जो है वो टॉस जीते हुए हैं और चॉइस जो है चॉइस कोर्ट, फर्स्ट एड जो होगी तो वो सलाम करेगी। तो गाइस अभी आपको लेके चलेंगे सीधा मैच में। तो दोनों टीमें वार्म अप करती हुई, और पहला अंक जो है मोहड़ा टीम जो है वो अपनी टीम को लेते हुए, पहले भी आपको मोहड़ा टीम का जो के कपाड़ा और मोहड़ा का मैच हुआ था तो उसमें मोहड़ा विनर हुई थी 1 पॉइंट, और फिर से मोहड़ा टीम जो है वो अपने स्कूल की के लिए एक और पॉइंट अर्जित करते हुए। और फिर से मोहड़ा टीम जो है अब पॉइंट अर्जित किया, और फिर से बहुत बढ़िया कमबैक करती हुई अभी तक। वंस पॉइंट लेते हुए मोड़ा टीम के बच्चे, और जो है सलाम टीम ने पॉइंट अर्जित किया,
तो दोस्तों बहुत बढ़िया मैच चला हुआ है। और फिर से पॉइंट अर्जित किया मोड़ा टीम ने। तो कपाड़ा स्कूल के बच्चे भी यहां पे आते हुए अपनी टीम के लिए हौसला अफजाई के लिए। एक पॉइंट फिर से मोहरा टीम की जो अपनी टीम के लिए डालते हुए। और मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम बादल बहुत बढ़िया सभी प्लेयरों के लिए। बहुत बढ़िया कैचिंग करते हुए मोड़ा टीम के बच्चे। तो एक बार फिर से पॉइंट अर्जित किया। और तीन पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए तीन पॉइंट बहुत बढ़िया मोड़ा टीम के जो के बच्चे हैं तो पूरा हौसला बुलंद रखते हुए दोनों सेशन में जो है वो पूरी बर्थ बनाते हुए। बूटर लगी है और एक बार फिर से मोहड़ा टीम की अपने टीम के लिए स्कूल के लिए बर्थ बनाते हुए। और फिर से पॉइंट अर्जित करते हुए मोहड़ा टीम के बच्चे। बहुत अच्छी कैचिंग जो है वो इस बच्चे की, छोटा सा बच्चा और कितनी बढ़िया कैचिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो सलाम टीम के बच्चे ने थोड़ा सा अपना हौसला जो है वो डगमगा दिया है। हौसले बुलंद रखने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और फिर से मोहरा टीम जो है एक और अंक अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए। तो अब तक की अगर बात की जाए
तो जो कि मोहड़ा टीम है तो वो काफ़ी हैवी स्ट्रांग और सुपरस्टार लाइक शेयर एंड कमेंट। तो दोनों टीमों के लिए टाइम आउट। फिर से मोहड़ा टीम अपनी टीम के लिए एक और अंक अर्जित करते हुए तो मुझे लगता है कि जो कि मोहड़ा टीम जो है वो विनर हुई है, मुझे लगता है क्योंकि हर कोर्ट में जो है मोहड़ा जो है वो आगे रहे। लेकिन अभी डीपीस का जो कि क्या कहना है तो वो मैं सुनता हूँ और आपको सुनाता हूँ। और अभी जो है एक मिनट खड़े हो जाओ। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको एक बार लेके आया हूँ अपना जो के मोहड़ा स्कूल है ना, पेस कॉटेज पब्लिक स्कूल। तो एक बार फिर से ये अपने स्कूल के लिए विजय हुए और जो के इनका अभी कौन क्या मैच था भाई, क्वार्टर फाइनल था, क्वार्टर फाइनल इन्होंने क्लियर कर दिया है। और जितने भी हमारे बच्चे हैं तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने खेल दिखाया, तीनों ही राउंडों में जो के थे तो पूरी फुल बढ़त के साथ इसमें प्रतिभा थी बच्चों में भरी हुई। और हमारे एक बार फिर से कोच साहब से फिर से बात करेंगे शशि भाई से। तो शशि भाई जी आपका क्या मानना है बच्चों के लिए, अभी जो दूसरा राउंड भी इन्होंने क्लियर किया है तो थोड़ा सा बोलें बच्चों के बारे में। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, थोड़ा जोर से बोलना भाई। कम से कम एक महीने से खूब मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे, बाकी है तो हाइट में छोटे हैं। नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जो कि मोहड़ा पेस कॉटेज पब्लिक स्कूल है तो ये प्राइवेट स्कूल है, तो इसके लिए आपके लिए स्कूल के लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसके लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत की होगी आपने। आप क्योंकि दो या चार टीचर होंगे और इसमें ऐसा होता है कि एक ही बंदा जो है वो प्रोवाइड करता है, तो आपके लिए लख लख बधाई देता हूँ अपनी यूट्यूब की फैमिली की तरफ से और सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। बाय बाय, टेक केयर।